नमस्कार खबरां दे इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हरमा शंकर, पहला पेश ने चोणवीं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन में किया संबोधन। विश्व दी खुराक सेहत संभाल और विकास नाल जुड़िया समस्यावां दे हल लई 10 नुकाती कार्य योजना का दिता सद्दा। क्वाड सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि हिंद प्रशांत खेत्र की सुरक्षा और कामयाबी विश्व लिए महत्वपूर्ण है। क्वाड नेतावां वालों सरहदों पार हर तरह के अतवाद की निंदा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने विद्यार्थियों को सख्त मेहनत करन और मौकों का फायदा उठाने लिए कहा। उन्नीस सौ 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में CBI वालों कांग्रसी आगू जगदीश टाइटलर विरुद्ध अदालत में दोष पत्र दाखिल। पंजाब में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना अधीन ई कार्डों लई 24 मई में विशेष कैंप लगाए जाएंगे। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के शहर हिरोशिमा में G7 शिखर सम्मेलन संबोधन किया। इस मौके उन्होंने विश्व दी खुराक सेहत संभाल और विकास नाल जुड़िया समस्यावां दे हल लई 10 नुकाती कार्य योजना का सद्दा दिता है। प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व में दरपेश मुसीबतों दूर करने लई एकजुट होकर कार्रवाई किए जाने के विषय से सम्मेलन संबोधन करदिया सुझाव दिता कि विश्व के नेतावां नूं अजिही समावेशी खुराक प्रणाली विकसित करनी चाहिए है जिस नाल गरीब किसानों समेत समाज के सब तो कमजोर लोगों की रक्षा और सुरक्षा की जा सके। उन्होंने पोषण के वातावरण के मुद्दे से मोटे अनाज के इस्तेमाल लई भी सम्मेलन में शामिल नेतावां नूं प्रेरित किया। आपकी भारत यात्रा आज भी भारत के लोगों के लिए बहुत यादगार रही है और मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि जो बोधि वृक्ष का सैंपल आपको दिया था जिसको आपने हिरोशिमा में लगाया, मैं समझता हूं वो जैसे जैसे वो ग्रो करेगा भारत के और जापान के संबंधों को तो मजबूती देगा ही देगा, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि ये वो वृक्ष है जो बुद्ध के विचारों का अमरत्व प्रदान करता है और ऐसी पवित्र वस्तु को। प्रधानमंत्री ने सारियां लई अते जरूरतां मुताबक बदलाव करके सेहत सेवावां नूं विकसित करन लई डिजिटल सेहत नूं हुलारा देण दी लोड़ ते वी जोर दिता। उन्हां विकासशील देशां दीआं जरूरतां नाल प्रेरित विकास माडल बनाउण दा वी सुझाव दिता अते कहा कि धरती दी बेहतरी लई मिल के काम करना अते सेहत सेवावां तंदरुस्ती अते खुराक सुरक्षा जिहे खेतरां नाल संबंधित चुनौतियां दा हल कीता जाणा अहम है। हिरोशिमा विच आयोजित किए गए क्वाड सम्मेलन नूं संबोधन करदिआं प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हिंद प्रशांत खेत्र की सुरक्षा और कामयाबी सिर्फ इस खेत्र के लिए ही नहीं बल्कि समुची दुनिया लई महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि क्वाड समूह हिंद प्रशांत खेत्र विच शांति स्थिरता और खुशहाली लई एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में स्थापित होया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस विच कोई शक नहीं है कि हिंद प्रशांत खेत्र आलमी व्यापार नवाचार और विकास का इंजन है। उन्होंने कहा कि भारत को साल 2024 क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने विच खुशी होगी। इस रिलायबल सप्लाई चेन, हेल्थ सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में हमारा सकारात्मक सहयोग बढ़ रहा है। कई देश और समूह अपनी इंडो पैसिफिक रणनीति और विजन की घोषणा कर रहे हैं। आज की हमारी बैठक में इस पूरे क्षेत्र के समावेशी और पीपल सेंट्रिक विकास के जुड़े विषयों पर चर्चा करने का अवसर मिलेगा। सम्मेलन में नेतावान ने सरहदों पार अतवाद समय सारे ही रूपों में अतवाद और हिंसक उग्रवाद की स्पष्ट तौर पर निखेधी की। क्वाड सम्मेलन तो बाद जारी किए गए एक सांझे बयान में मुंबई और पठानकोट में हमलों समेत अतवादी हमलों की निखेधी की गई। आस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमरीका के नेतावान ने कहा कि यह जंग का युग नहीं होना चाहिए। उन्होंने संवाद और कूटनीति अपनी वचनबद्धता प्रगटाई। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने विद्यार्थियों को जिंदगी में वधेरे कामयाबी हासिल करने लई सख्त मेहनत करन, मौकों का फायदा उठाउण अते साल 2047 के नवे भारत का खाका लिखण का सद्दा दिता जदों देश अपनी आज़ादी की शताब्दी मना रहा होवेगा।
पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ की 70वीं सालाना कन्वोकेशन नूं संबोधन करदिआं उन्हां विद्यार्थियों उत्साहित करदिआं कहा कि वह अपने दिमाग में शानदार विचार रखन। कन्वोकेशन दौरान उन्होंने मन्नी परमन्नी सिक्ख्या शास्त्री डॉक्टर सुधा एन मूर्ति डॉक्टर ऑफ लिटरेचर अते भारत के साबका चीफ जस्टिस ते राज्यसभा के मैंबर रंजन गोगोई नूं डॉक्टर ऑफ लॉ की डिग्री नाल सन्मानित किया। उन्हां इस गल ते खुशी मनाई कि यह कन्वोकेशन पंजाब की पहली महिला वाइस चांसलर प्रोफेसर रेनू विग अधीन आयोजित की गई। No university can claim to have kind of illustrious alumni that Punjab University has. It is an unparalleled resource of talent, a think tank that can effect wonders. Its alumni, while setting very high standards and benchmarks, have excelled in various fields. I wouldn't take much, but the list is very long. President of India, Vice President of India, Prime Minister of India, Chief Justice of India, Judges of the Supreme Court, Chief Election Commissioner, people who have made us very proud in industry. केंद्रीय जांच ब्यूरो ने 1984 के सिख विरोधी दंगों नाल जुड़े पुल बंकश गुरुद्वारे में अग लगाने के मामले में कांग्रेसी नेता जगदीश टाइटलर खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। यह मामला उस वेले दी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के एक दिन बाद 1 नवंबर 1984 गुरुद्वारे में अग लगाए जाने कारण 3 लोगों की हत्या नाल जुड़िया होया है। अपने दोष पत्र में CBI ने कहा है कि पुल बंकश गुरुद्वारे नेड़े आज़ाद मार्केट में इकट्ठी भीड़ नूं टाइटलर वल्लों उकसाया गया सी। भारतीय रिजर्व बैंक वल्लों 2000 रुपए के नोट नूं सर्कुलेशन विच्चों बाहर करन दे फैसले दा पंजाब भाजपा प्रधान अश्विनी शर्मा ने स्वागत किया है। पठानकोट विच दूरदर्शन खबरां नाल गल करदिआं उन्होंने कहा कि इस फैसले नाल कालाबाजारी ते असर पवेगा। RBI दे फैसले नूं हां पक्षी दसदिआं अश्विनी शर्मा ने कहा कि 2000 रुपए मुल दे केवल 10% नोट ही बाजार विच ने, इसलिए आम लोगों ते इसका असर नहीं पवेगा। आम लोगों वल्लों भी रिजर्व बैंक दे इस फैसले का स्वागत किया गया है। सरकार ऑलरेडी 2018 तो यदि छपाई 2000 के नोटा की बंद हो चुकी सी और केवल 10% जड़ा नोट है वह सर्कुलेशन च है। 90% नोट जड़ा ऑलरेडी बैंकों वापस जा चुके हैं और बैंक जड़े है बड़ी देर तो 2000 के नोट जड़े दे नहीं रहे थे, ATM च भी नहीं आ रहे थे। ये रिप्लेसमेंट है 30 सितंबर तक का लंबा समय सरकार ने दिता है कि तुसी जड़ा है इस नोट का प्रयोग कर सकते हो और 20,000 रुपया करके रिप्लेस भी हो सकता। 20,000 रुपया लैके जाओ, 500-500 वाले नोट लैओ, जमा करवाने हैं जमा करवाओ। भारत सरकार ने जो फैसला लिया, मोदी साहब ने जो फैसला है बहुत वधिया फैसला है, क्योंकि पहले भी नोटबंदी जो हुई थी आपां देखिया भी श्रीनगर के अंदर पत्थरबाजी पत्थर मारते थे, जो नोटबंदी हुई और पत्थरबाजी बिल्कुल खत्म हो गई है। 2000 का नोट बंद किया, जिन्हों को 1 नंबर का पैसा है उन्होंने डरन की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि उन्होंने खाते च जाके जमा हो जाने पैसे। दिक्कत उन्होंने जिन्हों को 2 नंबर का पैसा है, दिक्कत नाल दी कंट्रियां नूं है जिहड़े नकली नोट छाप रहे हैं। ये मोदी साहब का बहुत वधिया फैसला है। भारतीय रिजर्व बैंक वालों क्लीन नोट नीति तहत 2000 रुपए के नोट में वापस लैन के फैसले का आम लोगों ने स्वागत किया है। गुरदासपुर जिले में लोग इस फैसले तो उत्साहित दिखाई दिते। समाज के वख वख वर्गों के लोगों ने साडे नुमाइंदे विशंबर बिटू नाल गलबात करदिआं कहा कि इस नाल जिथे काले धन की समस्या खत्म होगी उत्थे देश के विकास में भी एक नवी रफ्तार मिलेगी। 2000 के नोट वापस लैन का जिहड़ा फैसला किया, मैं इस फैसले का स्वागत करदा, क्योंकि जिहड़ी सेंटर सरकार है मोदी सरकार है जिहड़ी इन्होंने पहला नोटबंदी की सी, और मैनू लगता भी उदों इन्होंने करप्शन नू ठल पाउण वास्ते करप्शन नू खत्म करन वास्ते वह जिहड़ा फैसला लिया सी, और यह जिहड़ा 2000 दे नोट वापस लैण दा फैसला उहदा ही दूजा स्टैप है। मैनू लगता उहदे नाल देश दे विचों करप्शन नू खत्म करन दे विच काफ़ी मदद मिलेगी। सरकार वल्लों जिहड़ा इह स्टैप लिता गया कि 2000 दे नोट खत्म किए जाण, इन्हां दी सर्कुलेशन बंद हो जाए, और अगे तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इहदी इजाजत नहीं देगा कि 2000 दे नोट प्रिंट आउट हो जाण। इहदा जिहड़ा कॉमन मैन है या लोअर इनकम ग्रुप दे लोग है उहनां नूं कोई मुश्किल नहीं पएगी, क्योंकि इन्हां गरीब लोगों को 100, 200 या ज़्यादा 500 दा नोट हुंदा है। जिहड़े
ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੜਬੜਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਸਿਖਲਾਈ ਮੁਖੀ ਹਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਸਰਵੋਤਮ ਚਰਿੱਤਰ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਸਤੰਭ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਚਰਿੱਤਰਵਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡਾਕਟਰ ਨਵਦੀਪ ਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਵੋਤਮ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਾ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਸੁਦੇਸ਼ ਖਜੂਰੀਆ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ETO ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ 31 ਮਈ ਤੱਕ 8 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜਲੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਵਾਲੇ ਫੀਡਰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨਿਰਵਿਘਨ 8 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਪਾਹ ਖੇਤਰ ਦੇ ਫੀਡਰਾਂ ਲਈ ਵੀ 8 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸਨਮਾਨ ਰਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਿਹਤ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਈ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ 24 ਮਈ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਬੀਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ 900 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹਰ ਸਾਲ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਇਲਾਜ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਲਗਭਗ 1600 ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਲਾਜਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 79 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਈ ਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ, ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੁੰਛ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਨੇੜੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਨੂੰ ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਢੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁੰਛ ਦੀ ਮੇਂਦਰ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਬਾਲਾਕੋਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸਰਹੱਦ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਚੌਕਸ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘੁਸਪੈਠ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਘੁਸਪੈਠੀਆ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ IED ਬੰਬ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਕਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਘੇਰ ਕੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNU DDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ G7 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੰਬੋਧਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ 10 ਨੁਕਾਤੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੱਦਾ। ਕਵਾੜ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵਿਸ਼ਵ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਕਵਾੜ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਹੱਦੋਂ ਪਾਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ। ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ CBI ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਈ ਕਾਰਡਾਂ ਲਈ 24 ਮਈ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।